अभिमान का त्याग बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। उसका प्रथम उपाय तो यही है कि अभिमान से क्या नुकसान होता है उसकी जानकारी हमें अगर प्राप्त हो जाए तो अभिमान का त्याग करने का रास्ता सरल हो सकता है। सर्वप्रथम तो अभिमान से कईयों को आर्थिक नुकसानी हुई है। बिल गेट्स का नाम तो आप सब जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के वे एक फाउंडर थे। उनके बारे में एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, किताब का नाम है प्राइड बिफोर फॉल। लेखक का नाम है जॉन हाइलमैन। वे लिखते हैं कि बिल गेट्स को बहुत नुकसानी, आर्थिक नुकसानी हुई, उसके मूल में अभिमान था। 100 अरब की उनकी संपत्ति थी, एसेट थी, और वे पुस्तक में लिखते हैं कि बिल गेट्स के मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं सन कंपनी, नेटस्केप कंपनी, एप्पल कंपनी, ये सब कंपनी मैं खरीद लूं ताकि मेरे पास मोनोपोली बनी रहे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने उन्हें ये कहा कि हमारे देश में ये कानून है, इस कानून के मुताबिक एक व्यक्ति के पास मोनोपोली नहीं होती है। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट पे जाऊंगा, केस करूंगा। और फिर स्टीव जॉब्स कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और बिल गेट्स को 40 अरब डॉलर दूसरों को देने पड़े। उस पुस्तक में एक बात लिखी है कि एक दफे बिल गेट्स ऐसा उच्चारण उन्होंने किया था, वे बोले थे कि आई हैव एज मच पावर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जितनी ताकत है, जितनी सत्ता है, उतनी सत्ता मेरे पास भी है। तो आर्थिक नुकसानी का यह एक उदाहरण है। करते हैं, एक दफे राजा भर्तृहरि जिन्होंने संन्यास लिया था और राजा गोपीचंद उन्होंने भी संन्यास लिया था, एक दूसरों को नाम से पहचानते थे लेकिन कभी प्रत्यक्ष मिले नहीं थे। एक धर्मशाला में दोनों आ गए। पहले गोपीचंद आए, उस धर्मशाला की दीवार पर एक खूंटी थी, उस खूंटी पर उसने अपनी जो झोली थी, झोली वहां लटकाई और फिर भिक्षा मांगने के लिए वे गांव में गए। कुछ अरसे के बाद वहां भर्तृहरि भी आ गए। उन्होंने देखा कि यहां तो और कोई जगह नहीं है, एक ही खूंटी है, तो उसने गोपीचंद राजा की जो झोली थी वो लेकर के नीचे रखी और अपनी झोली वहां लटकाई। वे भी भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। जब वापस लौटे तब देखा कि अपनी झोली किसी ने नीचे रखी हुई है, तो उसने फिर अपनी झोली लटका दी और राजा भर्तृहरि के नीचे रख दी। राजा भर्तृहरि आए वहां पे और आपस में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा ने एकदम रौद्र स्वरूप धारण कर दिया। दोनों एक दूसरों को मारने की तैयारी कर रहे थे और उस वक्त वहां एक वृद्धा थी, उसमें भगवान ने प्रवेश किया और वृद्धा ने यह देखा कि दो सन्यासी झगड़ते हैं, लंगोटी पहनी हुई है, कुछ है नहीं, एक खूंटी के लिए झगड़ते हैं। तो उसने दोनों लोग सुने ऐसे आवाज से कहा, धन्य है राजा गोपीचंद जिन्हें राजपाट का त्याग किया और धन्य है राजा भर्तृहरि को जिसने 1600 स्त्रियों का त्याग किया और राजपाट का त्याग किया, और तुम दोनों एक खिट्टी के लिए झगड़ते हैं, शर्म नहीं आती। उस वृद्धा को पता नहीं था ये गोपीचंद और भर्तृहरि है। दोनों को अंतर्दृष्टि हुई, एक दूसरे से कहने लगे कि आपकी झोली लटकाइए, आपकी झोली लटकाइए, वो कहने लगे। लेकिन अभिमान जब आ गया, संन्यास तो लिया था लेकिन मन में लग रहा था कि मैं तो
राजा हूं और राजा होकर के भी मैंने त्याग किया है, संन्यास लिया है, लेकिन भगवान के प्रवेश से वृद्धान जब कहा तब दोनों को अंतर्दृष्टि हो गई। अभिमान से इस तरह अल्प वस्तुओं के लिए भी झगड़ा होता रहता है। सामान्य चीज है, सामान्य पदार्थ है, लेकिन लोग झगड़ते रहते हैं। अभिमान से कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के जीवन में कुशलता का सुधार, उसमें रुकावट आ जाती है। एक शिल्पकार था, उसका बेटा भी शिल्पकार था, अच्छी मूर्ति बनाई, पिता के पास गया। पिता को कहा कि पिताजी मूर्ति कैसी? पिताजी ने कहा बहुत अच्छी मूर्ति है, लेकिन इसको आप सुधार सकते हैं, इतना सुधार करके आओ। पिता ने जो सूचना दी उसके आधार पर बेटा ने सुधार किया और सुधार करके वापस लौटा और मूर्ति बताई। पिताजी ने कहा अच्छा है, लेकिन और भी ये भूल है, इसको सुधार करो। ऐसे 5-7 दफे उनका जो बेटा था सुधार करके लाता था, लेकिन फिर वे कंटाल गया। उसने जो उस मूर्ति का उसके बेटे ने जो आखिरी स्वरूप दिया था, वैसे ही स्वरूप में उस मूर्ति को जमीन में गाड़ दी। 8 महीना बीत गए। 8 महीने के बाद उस मूर्ति को बाहर निकाली, पिताजी के पास लेकर गया और पिताजी से कहा देखो मेरे मित्र ने कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है, कैसी मूर्ति है? पिताजी ने कहा बहुत अच्छी मूर्ति है, ऐसी मूर्ति बनाना तू भी सीख ले। उसने विचार किया कि मैंने ही मूर्ति बनाई है, पिताजी भूल गए हैं, तो पिताजी से कहा यह मूर्ति तो मैंने ही बनाई है, मैंने तो वैसे ही कहा कि मेरे मित्र ने मूर्ति बनाई, हकीकत में मैंने ही बनाई है। पिताजी ने कहा देखो अभी तेरे जीवन में इस कला में सुधार नहीं होगा। मेरे मन में तो एक बात ऐसी थी कि विश्व का श्रेष्ठ कलाकार शिल्पकार आपको बनाना था, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसी एक बात बस गई कि इससे अधिक मैं मूर्ति में सुधार नहीं कर पाऊंगा। तो तीसरी नुकसानी यह होती है कि अभिमान से कभी कभी कुशलता में रुकावट भी आ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि अभिमान के कारण कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे तो इतनी चोट लग जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या कर बैठती है, और कभी उसके पास अगर ताकत हो को दूसरों की हत्या कर बैठता है। और कभी 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 तो ऐसे भी प्रसंग बने हैं, बहुत सारे संख्या में प्रसंग बने हैं कि जब माता पिता संतान को डांटते हैं तो संतान घर छोड़कर चली जाती है। कभी ऐसा भी हुआ है अभिमान के खातिर राज्य भी गंवारी का वक्त उसका समय आया है। जैसे नंद राजा थे, उस व्यक्ति ने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य के सहकार से, उनके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा बने और नंद राजा का पराजय हुआ। तो उसके मूल में थे उसके मूल में था अभिमान। ऐसी बात महाभारत में भी लिखी हुई है। महाभारत में ऐसा कहा है कि द्रोणाचार्य थे, उनके मित्र थे द्रुपद राजा, और दोनों मित्र थे। एक दफे द्रोण वहां गए थे उनके राज्य में आश्रय लेने के लिए। फिर जब वह उनके पास गए, उनसे कहा कि हम साथ में मेरे पिता के पास शस्त्र विद्या का अभ्यास करते थे और आपने कहा था कि मेरे राज्य में तुम आना, तो मैं तुम्हारे राज्य में यहां आया हुआ हूं। तब तो द्रुपद उसका अपमान किया। द्रुपद ने कहा मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन हो? फिर जब बात बताई तब कहा ठीक है, आपके पिता के पास मैंने अभ्यास किया था, लेकिन मैत्री की बात करते हैं, समान व्यक्तियों के साथ मैत्री होती है, तुम तो भिखारी हो और मैं तो राजा हूं। द्रोण को अपमान लग गया। वहां से गए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने उनको रखा और पांडवों को कौरवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सब सिखाई, और उनके ही शिष्य द्वारा द्रुपद राजा के राज्य पर चढ़ाई की, आक्रमण किया। अर्जुन ने द्रुपद का पराजय किया,
उसको पकड़कर कैदी बनाकर द्रोण गुरु के चरणों में सौंपा। तब द्रोण ने कहा, द्रुपद देखो तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है, अगर मैं ही चाहूं और अर्जुन से इशारा करूं तो अर्जुन तेरा गला काट डालेगा, तेरी सेना खत्म हो गई है, तेरा राज्य भी खत्म हो गया है, अब उसका मालिक मैं हूं। बोलो मित्रता रखनी है? उसका हृदय में इतनी चोट लग गई, लेकिन उसको मालूम था कि द्रोण ने कहा कि तूने तो मेरा अपमान किया, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, जा मैं तुझे आधा राज्य वापस देता हूं, अब तो हम समान हो गए, अब तो मित्रता रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन उस अपमान का बदला लेने के लिए राज्य लेने के बाद द्रुपद राजा जंगल में गए, जंगल में वहां ऋषि मुनियों के साथ रह करके उनके पास यज्ञ करवाया, और यज्ञ में से उनके एक बेटा का जन्म हुआ और एक बेटी का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। और ऐसा बेटा था जिसका जन्म द्रोण को मारने के लिए हुआ था, राज्य गया उसका कारण अभिमान, द्रोण को मारने की इच्छा हुई उसका कारण भी अभिमान, द्रोण को मारा उसका कारण भी अभिमान।